अस्सलाम वालेकुम, जॉब्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस के चैनल पर खुश आमदीद। इलामा इकबाल ओपन एसटी में पूरे पाकिस्तान के लिए शानदार 46 वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। मेल फीमेल इस पर ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपकी एजुकेशन LLB ग्रेजुएशन इंटर प्राइमरी और आप पढ़े लिखे हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है कि आप इलामा इकबाल ओपन एसटी पर अप्लाई करें। अलावा इसका बैंक चलान फॉर्म आपने कैसे डाउनलोड करना है, इसे कहाँ किस बैंक में सबमिट कराना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तरीका आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो एंड तक वॉच करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप मेरा चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन गाइडेंस विजिट कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वफाकी, सूबाई और प्राइवेट जॉब्स पर वीडियो भी अपलोड की हैं, जिन पर अप्लाई करने का मुकम्मल आसान तरीका मैंने डिटेल में बताया हुआ। इन वीडियोज़ को भी आप वॉच करें, इंशाल्लाह आपको इनमें भी बहुत फ़ायदा होगा। देखते हैं आपका जॉब एडवर्टाइजमेंट। ये आप देख सकते हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये रेगुलर पोस्ट हैं। आपको शुरू में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपॉइंटमेंट देंगे, बाद में आपको रेगुलर भी कर देंगे। आप देख सकते हैं इलामा इकबाल ओपन एसटी मेन कैंपस की वैकेंसी है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार लीगल, 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है प्रैक्टिस लॉ में, मैक्सिमम एज 35 ईयर, LLB रिक्वायर्ड है। और बाकी जो वैकेंसीज हैं इलामा इकबाल ओपन एसटी रीजनल सेंटर्स की हैं। स्टूडेंट काउंसलर की 2 वैकेंसीज हैं पंजाब की। आप अपनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आगे देख सकते हैं, एज देख सकते हैं। असिस्टेंट की 15 वैकेंसी, असिस्टेंट की 5 वैकेंसीज हैं, एक पंजाब की, एक KPK, 2 सिंध और 1 बलोचिस्तान की है। अपर डिवीजन क्लर्क की 1 वैकेंसी KPK की, लोअर डिवीजन क्लर्क की 11 वैकेंसीज हैं, 4 पंजाब की, 3 KPK, 2 सिंध और 2 बलोचिस्तान की हैं। ड्राइवर की 4 वैकेंसीज हैं, 1 पंजाब, 2 KPK और 1 बलोचिस्तान की है। 5 वैकेंसीज नैब कासिद की हैं, 2 पंजाब, 2 KPK और बलोचिस्तान की हैं। 8 वैकेंसीज टोटल माली की हैं, 3 पंजाब, 2 KPK, 2 सिंध और 1 बलोचिस्तान की। हेल्पर की 1 वैकेंसी पंजाब की, 5 वैकेंसी हैं चौकीदार की, 3 KPK के, 2 बलोचिस्तान की। 4 वैकेंसीज हैं आपकी, 2 KPK और 2 बलोचिस्तान की। आपने अप्लाई कैसे करना है? कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे उनको अपना जो प्रोविंस में जो रीजनल जिनके दफातर होंगे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, आपको वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा मैक्सिमम एज लिमिट गवर्नमेंट रूल के मुताबिक आपको दी जाएगी। वैकेंट्स होंगे वो उन्होंने ऑनलाइन तय करना है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, और आपने जो पेड चलाना है इसका होगा एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू, अपने साथ लेके आना। द कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर अप्लीकेशन ऑनलाइन। सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है, हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है जमा कराने की। इसके अलावा थ्रू पापे जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो थ्रू पापे चैनल अप्लाई करें। बाकी टर्म एंड कंडीशन आप इनको खुद स्टडी कर लीजिएगा। आपका शेड्यूल फीस जो कितनी होगी, 2 स्केल तक अगर आप अप्लाई करें तो 200 फीस है, 5 से 15 के लिए 500, 16 स्केल के लिए 1000 और 17 स्केल के लिए 1500 रुपये है। आपने कब तक अप्लाई करना है? 15 मार्च 2023 तक। वीडियो एंड तक वॉच करें, इंशाल्लाह आपको रजिस्टर होना, साइनअप होना, इसका चलान फॉर्म डाउनलोड करने का मुकम्मल तरीका आपको एंड तक बताऊँगा। वीडियो जरूर वॉच करें। आपने गूगल में सर्च करना है AIU कैरियर, ये पहली वेबसाइट आपके सामने आ गई, आपने इसे ओपन कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट यही सेम जो मैंने आपको दिखाया आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले चलान फॉर्म डाउनलोड करना है। लाजमी आप किसी भी बैंक में इसको जो इसका बैंक होगा आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐसा चलान फॉर्म बनेगा आपके सामने, तो आपने इसको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन अप्लाई करना है ABL की किसी भी ऑनलाइन ब्रांच के ऊपर, ठीक है। ये कॉपी होगी इलामा इकबाल की, ये कैंडिडेट की कॉपी आपने अपने पास रखनी है और ये बैंक की कॉपी है। ये आपने जनरेट कैसे करनी है? सब अप्लाई करने से पहले आपने चलान फॉर्म पे क्लिक करना है, यहाँ पर नाम, फादर नेम, CNSE और जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उस पर टिक करके डाउनलोड पे आपके बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐसा चलान आपके पास आ जाएगा। तो जब आपका चलान फॉर्म फीस जो है बैंक में जमा हो जाएगी, फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। जब आपका चलान जमा हो जाएगा तो आपने इनकी वेबसाइट पर आना, इधर आपने ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है, आपने रजिस्ट्रेशन अपनी करनी है, अपना ईमेल एड्रेस, CNSE, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर और ये नंबर एक कोड नीचे कैप्चर दिया हुआ है यहाँ पे लेके रजिस्टर हो जाए। इसके बाद आपने दोबारा लॉगिन पे क्लिक करना है, अपना CNSE और पासवर्ड देके आपने लॉगिन हो जाना है। अप्लाई करने से पहले आपने सबसे पहले रिज्यूम क्रिएटर आपने इस पर क्लिक करना, पर्सनल डिटेल के ऊपर सबसे पहले आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल बताएं कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, रिलीजन बताएं और मैरिटल स्टेटस बताएं सिंगल मैरिड। सेव एंड अपडेट पर क्लिक करेंगे तो एड्रेस डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, पोस्टल सिटी, सेम एज अबव भी कर सकते हैं अगर सेम दोनों हैं तो। सेव अपडेट पर क्लिक करके आपने अकेडमिक डिटेल पर आ जाना। अकेडमिक डिटेल में आपने क्या करना है? मैट्रिक से लेके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जितनी है आपने उसको 1 बाय 1 यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर अपनी डिग्री सर्टिफिकेट बताएं, SSC मैट्रिक पहले से यहाँ से शुरू करें, साइंस में किया, आर्ट्स में किया, अपना बोर्ड नेस्टी बताएं, पासिंग ईयर, डिवीजन बताएं, परसेंटेज और डिस्टिंक्शन अगर कोई आपने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल कोई पोजीशन ली हुई है तो उस पर टिक करें, अदरवाइज को नन रहने दें। जैसे आप इसको सेव पर क्लिक करेंगे अपडेट पर तो ये आपकी एक फील्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगी नीचे। इसके बाद आपने इसके अंदर HSCC,
एक बैचलर मास्टर डिग्री है तो वो आपने ऐड कर देनी है। इसके बाद अपलोड इमेज भी आएंगे, यहाँ पे आपने अभी अपनी इमेज एक अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये इमेज आपके यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो सी वी वगैरह कह रहा ऑप्शनल है, आप सी वी अपलोड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको रहने दें। एक्सपीरियंस पर आप आएंगे, अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट के प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आप अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस टाइप, टीचिंग लेवल अपना बताएंगे कि आप टीचिंग क्या जॉब कर रहे हैं, टीचिंग, नॉन टीचिंग, ऑर्गेनाइजेशन, जॉब सेक्टर, सब आप यहाँ पर डिटेल बताएंगे, स्केल बताएंगे कब से कब तक। अगर आप एज अ फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। रिसर्च एनालिटिक्स भी को भी आप खाली छोड़ देंगे, अगर आप आपके पास कोई है तो ठीक है। पब्लिकेशन भी आप खाली छोड़ दें, प्रोजेक्ट भी सेम आपने खाली छोड़ देना अगर आपके पास कोई नहीं है तो। दोबारा आप होम पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर द जॉब पे आप क्लिक करेंगे, आप जैसे प्रवीण से सुबह से अप्लाई कर रहे हैं आप उस पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी आपने चलान फॉर्म जो जमा कराया था 500 रुपीज़ का, इसका तो आपने वो बैंक का नाम बताना है, ABL, ब्रांच का कोड बताना है, चलान नंबर आपको बैंक देगा वहाँ पे, यहाँ पे लिख लेना। इसके अलावा आपने यहाँ पे क्या था कि ये आपने चलान अपना यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। किस तारीख को आपने अपलोड किया था वो यहाँ पे डेट मेंशन करके अप्लाई के बटन में क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई अच्छी फटर या पर्मिशनल गवर्नमेंट की जब अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मौसू हो सके। इसके अलावा अगर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करने में कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।